मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। वैसे तो डायबिटीज की दवा हमारे पतंजलि चिकित्सालय में भी मिलती है, मधुनाशिनी बटी कहते हैं, आप वो चाहें तो ले सकते हैं और या चाहें तो घर में ही आप दवा बना लीजिए डायबिटीज के। जो घर में आप दवा बनाएंगे वो कैसे बनेगी? 100 ग्राम लीजिए मेथी का दाना और इस 100 ग्राम मेथी दाने को धूप में सुखाइए और 2-3 दिन जब आप इसको धूप में सुखा देंगे तो इसको पत्थर में पीस लीजिए, पाउडर बन जाएगा। तो 100 ग्राम मेथी दाने का पाउडर ले लीजिए। फिर एक दूसरी दवा है, 100 ग्राम लीजिए तेज पत्ता। तेज पत्ता हमारे घर में है, आप इसको धूप में सुखा लीजिए, पत्थर में पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए, तो 100 ग्राम तेज पत्ता। और तीसरी दवा है 150 ग्राम जामुन की गुठली। जामुन का फल आता है उसे आप खाते हैं, उसकी गुठली को मत फेंकिए। जामुन का बीज, जामुन की गुठली, तो जामुन को खाइए और उसका जो बीज है उसको धूप में सुखा लीजिए और उसको सुखाकर पाउडर बना लीजिए 150 ग्राम जामुन के बीज का पाउडर। और चौथी दवा है बेलपत्र। शंकर भगवान को जो आप बेलपत्र चढ़ाते हैं वो 250 ग्राम तोड़िए और उसको धूप में सुखाकर उसको पीस कर उसका भी पाउडर बना लीजिए। अब ये चार दवाएं आपके पास है, 250 ग्राम बेलपत्र के पत्ते को पीस कर पाउडर बना लिया, 150 ग्राम जामुन की बीज को सुखा कर पीस कर पाउडर बना लिया, 100 ग्राम मेथी दाने को सुखा कर पीस कर पाउडर बना लिया और 100 ग्राम तेज पत्ते को पीस कर सुखा कर पाउडर बना लिया। ये चारों को पीस कर आपस में मिला दीजिए और एक कांच की शीशी में इसको भर के रखिए। बस यही दवा है डायबिटीज। अब इसको खाएंगे कैसे? एक चम्मच पाउडर सुबह लेना है गर्म पानी के साथ, नाश्ता करने से एक घंटे पहले, और एक चम्मच पाउडर शाम को लेना है खाना खाने से एक घंटे पहले। तो सुबह शाम एक एक चम्मच पाउडर लेते जाइए और गर्म पानी से लेना है। और इसको 1.5-2 महीने अगर आपने ले लिया तो ये आपके डायबिटीज को बिल्कुल ठीक कर देगा, शुगर एकदम आपकी ठीक हो जाएगी। आप जान लीजिए एलोपैथी में डायबिटीज को ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में, योग प्राणायाम में गारंटी से डायबिटीज ठीक होता है और लाखों लोगों का डायबिटीज ठीक हुआ है पिछले 10 वर्षों में और वो अभी अपना जीवन सामान्य रूप से बिता रहे हैं। मेरी आपको ये प्रार्थना है कि जो मैंने आपको बताया ये आप उन सभी को बताइए जिनको शुगर की बीमारी हो गई है, डायबिटीज उनको हो गया है, क्योंकि 5,70,00,000 भारतवासियों को इसकी जरूरत है और वो अगर इससे अपना जीवन सुखी बना पाएंगे तो इस पुण्य का लाभ आपको भी मिलेगा। तो आप अगर खुद डायबिटिक हैं तो अपना इस्तेमाल करें और कोई आपके परिचित मित्र हैं उनको भी बताएं। इस पूरे चिकित्सा को करते समय बस एक ही सावधानी आप रखिए, चीनी मत खाइए, चीनी खाना बंद करिए। डायबिटीज का इलाज करते समय आप ये आयुर्वेद की जो औषधि खाएंगे इसमें आप चीनी मत खाइए, बस इतना ही सावधानी रखिए। आप बोलेंगे चीनी में क्या समस्या है, चीनी ही तो सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।